हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नीतू एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ और एक नई रेसिपी के साथ। तो सुबह की शुरुआत हो रही है मेरी एक कप चाय के साथ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी चाय बन रही है, तो आ जाइए आप लोग भी और चाय पी लीजिए मेरे साथ। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में और आज मैं आप लोग के साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, उस रेसिपी को बनाने के लिए हमें यूज़ करना है एक कटोरी चने की दाल, जो मैंने रात में ही भिगो के रख दिया था और अभी मैंने इसे साफ़ पानी से धो के अलग कर लिया है। और मैं यूज़ करूँगी इसमें 5 से 6 लहसुन की कलियाँ और 4 से 5 मिर्च और थोड़ा सा अदरक। आप जितना तीखा पसंद करते उतनी मिर्च डाल सकते हैं इसमें। और फिर मुझे यूज़ करना है आटा, ये 2 कटोरी के लगभग आटा है। तो सबसे पहले हमें ये करना है कि इसका एक टाइट सा डो बना के तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले मैं ये काम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे की प्रोसेस बताती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने इसका एक टाइट सा डो तैयार कर लिया है। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ। और अब मुझे क्या करना है, मुझे इस चने की जो दाल है इसका एक फ़ाइन पेस्ट तैयार करना है। तो इसे मैं क्या करूँगी, गैस जार में ट्रांसफ़र करके इसका एक फ़ाइन पेस्ट बना लेती। तो इसका मैंने पेस्ट बना लिया है और अब मैं इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये पेस्ट मैंने एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़े बहुत मसाले। इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा जीरा पाउडर और स्वादानुसार नमक। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी धनिया की पत्ती। सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी है और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। तो अब मैंने एक बर्तन में पानी को गर्म करने के लिए रख दिया है। आप देख सकते हैं ये पानी बॉईल हो जाए तब तक हमें इसे उबालना है। तो अब मैं लूँगी आटे की एक लोई और उसे पूड़ी के शेप में बेल लेती हूँ। आप देख सकते हैं ये पूड़ी मैंने बेल ली है। आपको इस पूड़ी को ज़्यादा मोटा नहीं, ज़्यादा पतला नहीं रखना है, थोड़ा सा मोटा ही रखना है। और अब मैं क्या करूँगी, इसमें मैं ये पेस्ट भरूँगी। ये पेस्ट मैंने इस पर रख दिया है और अब मैं इसे फ़ोल्ड कर लूँगी, जैसे हम गुजिया बनाते हैं उस तरीके से हम इसको ऐसा फोल्ड करेंगे और इसको यहाँ से प्रेस कर देंगे। तो ये देख सकते हैं ये तैयार है। तो इसी तरीके से मैं सारे आटे की इसी तरह तरीके से मैं पूड़ियाँ बनाकर इसे भर लूँगी। पानी हमारा उबल गया है तो अब मैं इसे पानी में डाल देती हूँ। तो ये देख सकते हैं अब मैंने इसे पानी में डाल दिया है और अब मैं इसे 5 मिनट तक उबालूँगी। आप देख सकते हैं ये उबल चुका है और अब मैं इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। इसे मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है और अब मैं इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए। आप देख सकते हैं ये ठंडा हो चुका है और अब मैं इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर दूँगी। आप देख सकते हैं मैंने इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और अब लिए मैंने एक कढ़ाई और उसमें उस कढ़ाई में मैं ऐड करूँगी 2 चम्मच के लगभग ऑयल। तेल गर्म हो गया है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा हींग, 6 से 7 कड़ी पत्ता, थोड़ा सा हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च। और अब मैं इसे इसमें ऐड कर दूँगी और अब इसे ब्राउन होने तक भूनेंगे। आप देख सकते हैं ये ब्राउन हो गया है और अब मैं इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। मैंने इसे सर्व किया है टमाटर की चटनी के साथ। और ये रेसिपी, ये जो डिश है, ये टमाटर की चटनी के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि नए वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको